हमें एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, और हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हम अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें तो आप क्या पाएंगे? ऑब्जर्व करते वक्त आप अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते, और अलग अलग थॉट्स एक दूसरे से अटैच होंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना उनसे अटैच हुए, तो आप पाएंगे कि आपके जो थॉट्स होंगे ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस वक्त। अगर आप शांत बैठ करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना उनसे अटैच हुए, तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और आप अपने थॉट्स को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप शांत होकर के बिना अपने थॉट्स से अटैच हुए उन्हें ऑब्जर्व करें, तो आप ये पाएंगे कि जो थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और एक थॉट दूसरे थॉट से रिलेटेड होगा। वो थॉट्स हो सकते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हों, और ये भी जानना मुश्किल होगा कि एक थॉट से दूसरे थॉट पे जब आपका दिमाग, आपका मन जा रहा है, तो उन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप वो कनेक्शन समझ सकते हैं। जैसे मेरे को एक थॉट आया खाना बनाते वक्त कि मुझे वॉक पर जाना चाहिए, तो एक्चुअली आया क्यों? सबसे पहले मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था खाना बनाने को लेकर के, तभी मुझे याद आया, अरे यार मैंने कल भी तो खाना बनाया था, मैं सब्जी लेने गया था उसके बाद खाना बनाया था। फिर मेरे को एकदम से अलग थॉट आया कि खाना बनाने के बाद मैं वॉक पर गया था, तो ऐसे ही मेरा मन सीधा कंक्लूजन पर पहुंचा कि मुझे वॉक पर जाना चाहिए। अगर मैं इसे और ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा ना, तो मैं पाऊंगा कि मैंने कहीं ना कहीं खाना खाने को या फिर बनाने को वॉक से कंडीशन्ड कर रखा है या कर लिया है। कंडीशन्ड का मतलब है उसे चिपका लिया है। इसका मतलब मुझे खाना बनाने का या खाना खाने का जब थॉट आया, तो उससे मुझे वॉक के बारे में एक अलग थॉट आया, और यही कंडीशनिंग, यही पैटर्न फ्यूचर में भी रिपीट हो सकती है। मतलब जिस पैटर्न या फिर जिस थॉट पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, वो फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। इसका मतलब जिस थॉट या जिस पैटर्न पर, थॉट के पैटर्न पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, या फिर उसे एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है। ये थॉट्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, आसपास की चीज़ों, आसपास के ऑब्जेक्ट से भी ट्रिगर होते हैं। हाँ, ये हमारे हाथ में है कि हम किस थॉट को अटेंशन दें या फिर थॉट्स को जाने दें। जैसे हम किसी रोड के किनारे बैठे हुए हैं और गाड़ियों को आते और जाते देख रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं।